गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और हम सभी अपने घर पर हैं, तो इस टाइम को क्यों ना यूटिलाइज किया जाए। हम अपने क्लास 10 के सोशल स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मायसेल्फ निशांत। तो हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो हमारा पॉलिटिकल साइंस है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस है और उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पावर शेयरिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है कि पहले हम पढ़ेंगे केस वन। ठीक है, केस वन मैंने लिख रखा है बेल्जियम का। किसका है? बेल्जियम का केस वन पढ़ेंगे। तो बेल्जियम में क्या कहानी है कि देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता का, पावर का मतलब होता है सत्ता। ठीक है, ताकत, और शेयरिंग का मतलब होता है बंटवारा। जो हम अपने ताकत को बांटते हैं सभी के बीच में, जैसे देखिए हमारा इंडिया क्या है, फेडरेटिक गवर्नमेंट है। मतलब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। क्लियर है? उसी तरह से बेल्जियम में भी कुछ इसी प्रकार की कहानी थी। तो बेल्जियम में क्या ऐसा हुआ कि वहां पे पावर शेयरिंग करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि बेल्जियम इज अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री, कैपिटल ब्रुसेल्स। जी हाँ दोस्तों, बेल्जियम जो क्या है, एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल क्या है, जिसका कैपिटल ब्रुसेल्स है। क्या है? कैपिटल ब्रुसेल्स है। उसके बाद जो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन है, मतलब बेल्जियम में कहां कहां लोग रहते हैं और कौन कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, वो क्या है, सुनिए। बेल्जियम में डच लैंग्वेज जो है वो 59% लोग बोलते हैं। कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 59% लोग डच बोलते हैं। और वो रहते कहां पे? फ्लेमिश रीजन में। कहां पे रहते हैं डच लोग? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 40% बोलते हैं फ्रेंच और वो रहते हैं वालोनिया रीजन में। कौन से रीजन है? वालोनिया रीजन जो है बेल्जियम का, वहां रहते हैं। और रिमेनिंग 1% जर्मन बोलते हैं जो बाकी रेस्ट ऑफ द बेल्जियम में रहते हैं। तो आपको लग रहा होगा सब तो ठीक है कि मतलब डच मेजोरिटी में और क्या है, फ्रेंच और जर्मन क्या है माइनॉरिटी में। यही बात है क्योंकि 59% जो लोग डच बोलेंगे मतलब वो मेजोरिटी में है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि कैपिटल सिटी जो है, जी हाँ फ्रेंड्स, कैपिटल सिटी जो हमारा ब्रुसेल्स है, जो कैपिटल सिटी हमारा ब्रुसेल्स है, वहां पे जो डच है वो माइनॉरिटी में है। डच किस में है? माइनॉरिटी में है। और वहां पे क्या है? फ्रेंच मेजोरिटी में। क्या है वहां पे? वहां पे जो लैंग्वेज है फ्रेंच मेजोरिटी में, क्योंकि डच जो है ब्रुसेल्स सिटी में 20% है और फ्रेंच वहां पे क्या है 80% है। तो आखिर ये समस्या आई। इसके लिए वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया। क्या किया गया? 4 बार अमेंड किया गया। और वहां पे क्या फाइनल कंक्लूजन निकला? तो फाइनल कंक्लूजन वो नहीं, वहां पे पावर शेयरिंग का क्या यूटिलाइजेशन हुआ, वहां पे ये बोला गया कि पावर शेयरिंग जो है बेल्जियम में कैसे होगा। तो बेल्जियम में ये बोला गया कि जो कैपिटल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, 50% जो है आपका पावर डच के पास होगा और 50% पावर किसके पास होगा? फ्रेंच के पास होगा। देखिए अब यहाँ पे पावर क्या हुआ? दोनों को दे दिया गया। तो अब ना डच वाले दुखी रहेंगे ना फ्रेंच वाले दुखी रहेंगे, सॉल्यूशन एक निकला। दूसरा क्या हुआ यहाँ पे, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कहेगी कि सारे कम्युनिटी का अपना एक अलग अलग गवर्नमेंट रहेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, मतलब डच लोगों का अपना एक अलग गवर्नमेंट रहेगा, फ्रेंच वालों का अपना एक अलग गवर्नमेंट रहेगा और जर्मन वालों का अपना एक अलग गवर्नमेंट रहेगा। क्लियर है? तीसरा क्या हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा गवर्नमेंट बना जो यहाँ पे आपके कल्चर पे, एजुकेशन पे, ट्रेडिशंस पे लॉ बनाने के लिए क्या हुआ, काम किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये थी कि अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच और फ्रेंच 50-50 के मेजोरिटी में थे, अगर दोनों में से किसी को कोई लॉ पसंद नहीं आया, कोई सर्टेन लॉ आया और डच को वो लॉ अगर पसंद नहीं है और फ्रेंच को वो लॉ पसंद है, तो वो लॉ पास नहीं होगा। लॉ पास होने के लिए डच की भी मेजोरिटी होनी चाहिए और फ्रेंच की भी मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक क्विक रिवीजन करते कि हमने क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वन पावर शेयरिंग, उसमें पहला केस पढ़ा हमने बेल्जियम का। बेल्जियम क्या है? तो बेल्जियम एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, उसका कैपिटल सिटी कहां पे है? ब्रुसेल्स में। बेल्जियम का जो इथनिक कंपोजिशन क्या है कि 59% लोग जो रहते हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज, मतलब डच लैंग्वेज क्या है मेजोरिटी में है। 40% लोग आपको वालोनिया रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और 1% लोग जो है जर्मनी लैंग्वेज बोलते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बेल्जियम में। लेकिन यहाँ पे पावर शेयरिंग क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है वहां पे डच माइनॉरिटी में है और फ्रेंच क्या है मेजोरिटी में है। डच के ब्रुसेल्स में 20% है और 80% क्या है फ्रेंच के लोग हैं। ठीक है,
अब उसके बाद क्या हुआ कि पावर शेयरिंग यहाँ पे क्या किया गया, तो पहला बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसमें 50% डच के लोग रहेंगे और 50% फ्रेंच के मिनिस्टर्स रहेंगे। दूसरा कि हर हर के कम्युनिटी का अपना एक स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, मतलब फ्रेंच वालों का अपना अलग गवर्नमेंट स्टेट है, उसके बाद जर्मन वालों का अपना अलग गवर्नमेंट और डच वालों का अपना अलग गवर्नमेंट। और तीसरा क्या था, तीसरा था कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था फ्रेंड्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट ये था कि जो कल्चर पे, एजुकेशन पे, ट्रेडिशन पे जो लॉ बनाएंगे वो हमारा क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट था। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे दूसरा केस श्रीलंका के बारे में।